Welcome back everyone in the today's video lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on radius of curvature. So, let's see the course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima, and radius of curvature by differentiation. So, what are the learning outcome? So, after watching this video, you will be able to know what is the radius of curvature and how to determine रेडियस ऑफ कर्वेचर. हम आज के एग्जाम्पल में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना सीखने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है ये सीखा है. आज हम और एक और डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक कर्व दिया हुआ है. ठीक है, कौन सा कर्व है गिवन रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू वन. ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है. ओके, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए क्या लगता है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए dy by dx और d square y by dx square फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो सब में पहले हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर वन. डिफरेंशिएट करना इसका मतलब कि हम दोनों साइड में d by dx अप्लाई कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट टर्म में प्लस का साइन है और दो अलग अलग टर्म हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म को सेपरेटली डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे. राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ वन ये हो जाता है ज़ीरो. ओके, अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई. रूट वाई का डेरिवेटिव तो है नहीं लेकिन रूट एक्स का है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि वाई को भी क्या करना है, वेरिएबल ही कंसिडर करना है. तो रूट वाई का डेरिवेटिव भी हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वाई. ओके, लेकिन जब भी आप वाई का डेरिवेटिव लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके साथ में डी वाई बाय डी एक्स लिखना पड़ता है. ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स से उसे आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू ज़ीरो. अब हमारा एम क्या है, हमें यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है. तो ये वन अपॉन टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स जैसे का वैसा इक्वल टू ये वन अपॉन टू रूट एक्स जो हमारा फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो ये ज़ीरो माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स इस तरह से ये हो जाएगा. तो क्या आ गया राइट हैंड साइड में, माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स. लेफ्ट हैंड साइड का टर्म जैसे का वैसा. हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, डी वाई बाय डी एक्स चाहिए हमें. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो दूसरा टर्म दिया हुआ है वन अपॉन टू रूट वाई इसे भी हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर, तो और डिनोमिनेटर में है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिवीजन में हो जाएगा. ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा.
यहाँ पर माइनस का साइन जैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 2 और 2 है इसे कट कर सकते हैं, कर सकते हैं ओके। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अभी हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाद में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे क्या करना है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में माइनस का साइन हम डेरिवेटिव से बाहर लिख रहे हैं और डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड में हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चन रूल, सब में पहले डिनोमिनेटर का जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर, ओके। वही सेम टर्म आप लोग कहाँ लिखोगे, न्यूमरेटर में। यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है इसीलिए आप लोग याद से यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि पता रहे कि माइनस का साइन पूरे कंप्लीट टर्म के लिए है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर रूट वाई, माइनस का साइन रूट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट रूट एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई वन अपॉन टू रूट वाई, ओके। जब भी हम वाई का डेरिवेटिव लिखते हैं तो उसके साथ में हम डी वाई बाई डी एक्स से उससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन जैसे का वैसा रूट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स, ओके। द होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में रूट और स्क्वायर है तो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, सिर्फ क्या रहा एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। इक्वल टू और ये माइनस का साइन। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो न्यूमरेटर में डी वाई बाई डी एक्स है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिला था माइनस वाई अपॉन एक्स, कहाँ से देख कर लिख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये भी हमारी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। रूट एक्स से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया रूट एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट वाई इंटू, अब हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख रहे हैं माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स, कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, माइनस का साइन रूट वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया रूट वाई डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स, ओके, द होल डिवाइडेड बाय एक्स, ब्रैकेट माइनस का साइन जैसे का वैसा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर
जो फर्स्ट टर्म है, ओके। तो देखिए क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या कैंसिल हो सकता है, रूट वाई और रूट वाई और रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो सकता है, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया, ओके। माइनस ब्रैकेट, अब क्या रहा यहाँ पर, माइनस वन अपॉन टू माइनस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स, ओके, द होल डिवाइडेड बाय एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे सिंप्लीफाई। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, और ये माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस गेट प्लस, प्लस हो जाएगा, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाद में, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फिर बाद में माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का साइन एज इट इज वन इंटू टू रूट एक्स, टू रूट एक्स माइनस, डिनोमिनेटर के टू से रूट वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टू रूट वाई, द होल डिवाइडेड बाय फोर रूट एक्स, अगेन डिवाइडेड बाय एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। ये है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस के साइन से ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स प्लस टू रूट वाई, बिकॉज की सेम साइन गेट प्लस, और ये जो टर्म है डिनोमिनेटर का ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर एक्स रूट एक्स। हम न्यूमरेटर में से क्या कर सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइडेड बाय टू, सॉरी फोर एक्स रूट एक्स, हमने न्यूमरेटर में से टू कॉमन लिया है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अब हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम टू वन ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल जाएगा अब यहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन नंबर वन है वहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू दी हुई है, रूट एक्स प्लस रूट वाई क्या हो जाता है, वन। तो हम क्या कर रहे हैं, अब न्यूमरेटर में जो रूट एक्स प्लस रूट वाई है यहाँ पर भी हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। क्यों लिखा हमने यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट किया था इक्वेशन नंबर टू में से देखकर उसके लिए लिखा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में यहाँ पर न्यूमरेटर में ब्रैकेट में जो रूट एक्स प्लस रूट वाई लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है वन डिवाइडेड बाय टू एक्स रूट एक्स। कहाँ से लिखा हमने ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ओके। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, इस तरह से हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मिल गया, ओके। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या दिए हुए हैं, पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो क्या पॉइंट गिवन है, एट पॉइंट वन बाय फोर कॉमा वन बाय फोर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमें कहाँ पर रखना है, इक्वेशन नंबर टू में, और ये जो हमें मिला है ये है हमारा इक्वेशन नंबर थ्री, इसमें हमें रखना है, जिससे कि हम क्या फाइंड कर पाएंगे,
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला है, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ओके, चेक कर लीजिए एक बार। यस, ओके, दिस इज अ इक्वेशन नंबर टू। यह है हमारा इक्वेशन नंबर टू। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं माइनस का साइन जैसे का वैसा। रूट वाई, तो वाई की वैल्यू क्या है, वन अपॉन फोर, और एक्स की वैल्यू भी क्या है, वन अपॉन फोर। तो वन अंडर रूट ऑफ वन बाय फोर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन बाय फोर इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज वन। ओके, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ क्या रहा, वन। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, क्या वैल्यू मिली है, वन। माइनस का साइन पहले एज इट इज़ था तो एज इट इज ही रहने दिया हमने, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई है माइनस वन। अब हम इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वो हमें मिला है वन अपॉन टू एक्स रूट एक्स। तो वन अपॉन टू, एक्स की जगह हम रखेंगे वन बाय फोर और रूट एक्स की जगह भी हम रखेंगे वन बाय फोर। ओके, तो यहाँ पर भी जो टर्म कैंसिल होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर। ठीक है, इस तरह से हमने उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमें क्या मिला, वन अपॉन, ये हो जाएगा वन बाय टू, ध्यान से लिखेंगे लिखते समय, इन टू अंडर रूट ऑफ वन बाय फोर भी क्या होता है, वन अपॉन टू हो जाता है, नहीं तो कैलकुलेटर में पूरा टर्म एज इट इज़ डालेंगे और फिर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में वन बाय टू इंटू वन बाय टू करेंगे तो ये वन बाय फोर आ जाएगा और ये फोर ऑटोमेटिकली कहाँ चले आएगा, न्यूमरेटर में। तो इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगी और वो वैल्यू क्या रहेंगी, वो वैल्यू रहेंगी इक्वल टू फोर। लेकिन अभी हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स, ये दोनों वैल्यू को रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में रखना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। सो रो इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर थ्री बाय टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, रो इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या मिली है हमें, माइनस वन। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है हमें फोर। तो ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर अभी पुट करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर द होल रेज टू द पावर थ्री बाय टू। ओके, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। ओके, आप सभी को, तो सॉल्व करने के बाद हमें एक आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, रूट टू बाय टू यूनिट्स। क्या मिलेगा, रूट टू बाय टू यूनिट्स। हमने वही सेम स्टेप फॉलो की जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन सिर्फ क्या था, एग्जाम्पल डिफरेंट वे का है, तो इसीलिए क्या हुआ, थोड़ा सा क्या, अलग अलग स्टेप यहाँ पर बीच बीच में आई है। ठीक है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालने का तरीका थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज हुआ। डेरिवेटिव भी वैसे ही निकाला, सिर्फ वहाँ पर क्या, जो फंक्शन एकदम इजी फंक्शन दिया रहेगा तो डेरिवेटिव जल्दी निकल जाता है,
अगर थोड़ा सा भी कुछ अलग फंक्शन दिया हुआ रहा तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने अलग अलग हर फंक्शन के लिए अलग अलग टाइप से बहुत सारी क्या पढ़ी है उसमें मेथड भी पढ़ी है, तो उन्हीं को ध्यान रखना है और सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग को इन्हें ट्राई करना है, ओके, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।